सूर्य अर्घ छठ पर्व जो है हमारे पुत्र और धन के समृद्धि के लिए यह पर्व मनाया जाता है। जैसे महाभारत काल में भी आपने देखा होगा जब पांडव की राजपाट छिन गई थी तो उनकी माँ ने छठ व्रत रखी और फिर उनका सारा राजपाट वापस मिल गया। इस छठ पर्व में सूर्य भगवान से लोग पुत्र धन समृद्धि का कामना करते हैं और लोगों को भी हम संदेश देते हैं, जो सूर्य भगवान एकमात्र ऐसा भास्कर देव है जो सूर्य छठ के रूप में मनाया जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सब अच्छे से हो रहा है यहाँ पे। आज सुबह का अर्घ है, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यवस्था है। मैं अपने मम्मी के साथ आई हूँ, मेरी नानी है वो इस पावन में खड़ी हुई है। सभी के सहयोग से इस मंदिर का ये इस तरह का निर्माण हुआ, ये जो इसका प्रांगण इस तरह का बनाया गया, ये यहाँ के लोगों का, संपूर्ण लोगों का सहयोग रहा है बनाए, और इसमें जो आस्था लेके आता है वो मेरा मानना है कि उसे पूर्ण होती है। हम तो इसे पूछ ले भारतिया। छठ पूजा किस महापर्व पर आए हैं, आखिरी दिन है इस महापर्व का, समापन हो जाएगा इसके बाद, तो क्या मान्यताएं लेके आप यहाँ पे आए हो, क्या मान्यता आपने मांगी है? जो भी हम मानते हैं वो छठी माता पूरा कर देती है, यही हमारी मन्नत। आज सुबह हम यहाँ 6 बजे आए। शक्ति हम लोग को बहुत आ जाता है, जैसे लगता है कि हम लोग यहाँ छठी माई के शक्ति से। 2018 का ये महापर्व छठ का समापन हो जाएगा, और ऐसे ही महापर्व होते हैं जो लोगों में आस्था और एकजुटता को बनाए रखते हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ मैं संदेश सक्सेना, डेली डायरी न्यूज़।